दोस्तों देख रहे हो कितना ज़्यादा औस पड़ी हुई है। हमारे यहाँ पाला कहते हैं इसको भाई, देख रहे हो आप पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा। हेलो दोस्तों, माय नेम इज श्री एंड आप देख रहे हैं एक्सप्लोर श्री। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। कहाँ से? उत्तराखंड से, और इन प्यारे प्यारे पहाड़ों से। जी हाँ, मैं भी उत्तराखंड में हूँ और अपने गांव में हूँ। यार मैं आजकल ये प्लान बना रहा हूँ कि यार मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ जब तक मैं घर में हूँ। सो कैसे लगेंगे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, और मेरी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी कैसी है प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। सो यार, जैसे कि आप जानते हैं कल मैं गया था करंटपैक और चैन लुब्रिकेंट मुझे मिला नहीं। सो यार कैसे ल्यूब होगी? तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार हम ऑयल कर देंगे। और फिर यार धोने का पंगा था, मैंने कहा बाइक धोनी पड़ेगी, चैन क्लीन करनी पड़ेगी। तो कह रहे यार हाँ हम कर देंगे, लेकिन ये टाइम बहुत लग रहा था। मैंने कहा अभी इतना टाइम है नहीं, तो मैं कल शाम को वापस आ गया था घर पे अपने। और अभी का प्लान है कि अब मैं खुद ही बाइक को वॉश करूँ और उसके बाद फिर मैं ले जाऊँगा, फिर मैं वहीं पर ऑयलिंग जो भी है फिर करा दूंगा, जो भी चीज़ें अगर मिल गया ल्यूब तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑयलिंग करा दूंगा। बाकी यार अभी का मेरा प्लान ये कि बाइक वॉश करनी है। यार वॉश कैसे करूँगा क्योंकि बाइक है बिल्कुल नीचे, इधर है बाइक और ये देख रहे होंगे आप काफ़ी नीचे है, और मुझे पाइप ले जाना है यहाँ से यहाँ। अब इधर से पाइप तो ले जाना है, बट इतना लंबा पाइप होगा नहीं होगा पता नहीं अभी, क्योंकि बहुत सारे टूट गए हैं पाइप और छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, तो देखता हूँ यार अभी। तो दोस्तों यार ये है पूरा पाइप और इसको मुझे यहाँ से ले जाना है सीधा नीचे। अब देखता हूँ यार ये पूरा होता नहीं होता। दोस्तों पाइप पूरा फिट आ चुका है, जोड़ जोड़ के मैंने पूरा का पूरा फिट कर दिया है ये पूरा का पूरा, और पानी भी आ गया है पूरा प्रॉपर। और यार बाइक देख लो आप कितनी गंदी हो रखी है, और चैन की हालत देख रहे हो भाई आप, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा पूरा जम चुका है पूरा का पूरा। यार मैं अब ये बाइक धुलता हूँ फटाफट, और मैंने बाइक का जो सामान है वो भी रखा ले लिया मैंने, बाकी पॉलिश वॉलिश कर लूँगा। बस यार लूप का पंगा है तो वो मैं मार्केट जाके ही करवा लूँगा। सो बाकी चलो मैं फटाफट यार अब मैं बाइक को धुलता हूँ अभी। तो यार शैम्पू से धुलता हूँ मैं। तो दोस्तों बाइक तो मैंने पूरी क्लीन कर ली है, बट चेन यार बहुत ज़्यादा जमी हुई है चेन पे, देख लो आप ये जो मिट्टी है ये देख लो डस्ट, बाबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मोटी परत है। तो यार उसके लिए या तो चेन क्लीन लगेगा या फिर डीजल लगेगा। सो बाहर देखता हूँ, अगर हो गया जुगाड़ तो फिर मैं अपने यहीं पर आके क्लीन करूँगा और ल्यूब करूँगा, नहीं तो फिर बाहर ही करवा दूंगा फिर। सो भाई ये है हमारी गायें और ये गौशाला है हमारी। तो यार यहाँ पे कुछ काम था तो इसलिए आया था मैं अभी। तो मुझे ल्यूब करवाने जाना था, बाइक की चैन को ल्यूब करवाने जाना था, बट जा नहीं पा रहा हूँ यार। सो वो काम अब मैं कल जाऊँगा मैं ल्यूब करवाने के लिए बाइक को, चैन को, बाइक की चैन को ल्यूब करवाने के लिए। सो यार बाकी ये हमारी आप ये देखिए ये नारिंग का पेड़ आपको दिख रहा होगा, एक मिनट है जी, ये हमारी नारिंग का पेड़ है, एक ये है और एक ये है, ये वाला जो है शायद इसमें बहुत सारी नारिंग लगी थी लास्ट टाइम मैं आया था, तो मैंने काफ़ी सारी खाई है इससे। यही हमारी एक्चुअली पापा ने लगाई थी यहाँ पे। सो काफ़ी सारी नारिंग है, अभी तो खैर नज़र नहीं आ रही इस पर ज़्यादा, बट बहुत सारी होती हैं इस पर। बाकी यार पीछे अमरूद का पेड़ है, और हमारे यहाँ भी अमरूद के पेड़ काफ़ी हैं और आम के भी हैं, वो जो दिख रहे हैं आपको ये आम के पेड़ हैं, ये आम के पेड़ क्या हो गया, क्यों भौंक रहा है? ये भौंक रहा है भाई, ये देखो क्या है भाई,
ओए कालू, कालू ये अपना कालू है। कालू 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 क्या हो रहा है? कालू क्या हो रहा है? ओए ओए सो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैंने इंस्टाग्राम की आईडी ओपन की है, प्लीज़ जरूर उसको भी चेकआउट करिए। और फॉलो करने का मन हो तो प्लीज़ जरूर करिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।